जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आज फिर एक नए वीडियो साथ हाजिर हो रहा हूँ और आज से हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे। क्या एनाटॉमी पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक स्केलेटल सिस्टम को मैं एक कहानी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। कहानी कब पढ़ी थी हम लोगों ने? बचपन में पढ़ी थी, जब हम लोग क्लास फर्स्ट में रहे होंगे या सेकेंड में रहे होंगे। क्या थी कहानी? एक डॉग था, एक कुत्ता था, और वो डॉग क्या कर रहा था, अपने मुंह में एक बोन लिए था और अपने मस्ती में चला जा रहा था कि आज मैं इस बोन को क्या करूँगा, खाऊंगा और बहुत मज़ा आने वाली है। तो जब वो कुत्ता चला जा रहा था डॉग, रास्ते में उसे एक तालाब मिलता है। क्या मिलता है? तालाब। और जब वो तालाब मिलता है तो वो डॉग उस तालाब में देखता है, क्या देखता है कि मुझे, मतलब देखता है कि मुझे प्यास लगी, पानी पीना है। तो उसे दिखता है कि वहाँ पे उसकी जो परछाई है, जो शैडो है, तो दिखती है उस तालाब के पानी में दिखने लगती है, और शैडो भी बोन लिए थी, है ना। तो डॉग सोचता है क्यों ना मैं इस कुत्ते को के ऊपर भौंकूँ, और जब भौंकूँ तो ये भाग जाएगा, पानी वाला कुत्ता, और इसकी मैं इसकी भी बोन ले लूँगा, मेरे पास दो बोन हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? दो बोन हो जाएंगी। और यही सोच करके कुत्ता जैसे ही भौंकता है, उसकी मुँह वाली बोन भी तालाब में गिर जाती है। उसके पास दो की जगह एक भी बोन नहीं बचती। देखिए बच्चों, तो उस बोन को लेके आया हूँ मैं कहाँ पर? उस बोन को लेके आया हूँ मैं आपके बोर्ड पर। कहाँ पे लेके आया हूँ? आपके बोर्ड पर लेके आया हूँ। देखिए यहाँ एक बोन बनी हुई है, आर्ट अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझ में आ रही होगी। तो वो बोन यहाँ बनी हुई है, इस बोन को हम समझते हैं स्केलेटल सिस्टम में। इस बोन को समझने की कोशिश करते हैं स्केलेटल सिस्टम में। देखिए तो ये एक बोन है, और इस बोन का ये वाला पार्ट, इस बोन का ये वाला पार्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? डायफेसिस। क्या कहलाता है? डायफेसिस। क्या कहलाता है? डायफेसिस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस बोन का यहां से लेकर ये वाला पार्ट, यहां से लेकर ये वाला पार्ट कहलाता है मेटाफेसिस। क्या कहलाता है? मेटाफेसिस कहलाता है। मेटाफेसिस आपके यहाँ भी होगा और मेटाफेसिस यहाँ भी होगा। मेटाफेसिस लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, दोनों तरफ होगा। तो क्या होगा? मेटाफेसिस। तो जो लंबा पार्ट था आपका क्या कहलाया? डायफेसिस। और जो लंबे पार्ट से जुड़ा हुआ पार्ट है वो कहलाएगा आपका मेटाफेसिस। देखिए अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, ये जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, ये कहलाता है आपका एपिफेसिस। क्या कहलाता है? एपिफेसिस। तो देखिए दोस्तों, ये जो लंबा वाला पार्ट था डॉग बोन का, डायफेसिस, फिर लंबे वाले पार्ट से जो ये थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट इतना, ये आपका कहलाएगा मेटाफेसिस, और जो सबसे बाहर वाला पार्ट है बोन का, ये कराएगा आपका एपिफेसिस। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जो लंबा वाला पार्ट है, ये जो लंबे वाला पार्ट है, ये अंदर से खोखला है। क्या है? खोखला है। और खोखला होने की वजह से इसमें क्या, एक होलो, छेद है। क्या है? छेद है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मेड्यूलरी कैविटी। क्या कहते हैं? मेड्यूलरी कैविटी। तो ये जो है, ये अंदर जो खोखला छेद है, ये है मेडुलरी कैविटी। देखिए मैं जब कैविटी वर्ड यूज करूंगा उसका मतलब होगा छेद, ठीक है। तो ये है कैविटी। तो बायो की लैंग्वेज में कैविटी को कहते हैं छेद। तो देखिए ये कौन सी कैविटी है? ये है मेडुलरी कैविटी। कौन सी है? मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? बोन है, बोन का जो बड़ा पार्ट है, ये लंबा पार्ट है डायफेसिस, डायफेसिस से लगा हुआ पार्ट है, या ये कह सकते हैं कि डायफेसिस से लगा हुआ पार्ट है मेटाफेसिस, और जो ये उठा हुआ पार्ट है ये है आपका एपिफेसिस। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो डायफेसिस के अंदर होलो छेद है उसको कहते हैं मेडुलरी कैविटी। क्या कहते हैं? मेडुलरी कैविटी कहते हैं। अब देखिए जो मेडुलरी कैविटी है इसके अंदर क्या है?
इसके अंदर है येलो बोन मैरो। इसके अंदर क्या है दोस्तों? येलो बोन मैरो। इसके अंदर क्या है? येलो बोन मैरो। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, येलो बोन मैरो, बोन मैरो। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? अभी तक मैंने कुछ बातें नहीं बताई, थोड़ी बहुत बातें बताई। ये बोन है, लंबा वाला पार्ट डायफेसिस, डायफेसिस से लगा हुआ पार्ट है आपका मेटाफेसिस, और मेटाफेसिस ऊपर जो गोल पार्ट है वो कहलाएगा एपिफेसिस। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो डायफेसिस के अंदर जो खोखला पार्ट है वहाँ पर मेडुलरी कैविटी है, कैविटी, कैविटी मतलब छेद, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? येलो बोन मैरो भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? येलो बोन मैरो। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखते हैं दोस्तों, जो ये एपिफेसिस है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स, छोटे छोटे पोर्स, पोर्स माने होते हैं गड्ढे। मतलब ये कैसा है? खोखला टाइप का है। ये तो पूरा खोखला है, ये मतलब कि आपने देखा होगा कि ये जो हिस्सा है, यहाँ बोन्स तो हैं लेकिन खोखली बोन्स हैं, उनके अंदर छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स हैं। क्या हैं? पोर्स, पोर्स को कहते हैं छोटे छोटे छेद। जैसे आपने चौक वगैरह देखी होगी, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना? तो ऐसे ही इसमें छेद है छोटे छोटे। इसके बाद देखिए, जो छोटे छोटे छेद हैं पोर्स, यहाँ पे भरा होता है क्या? रेड बोन मैरो। क्या भरा होता है इन पोर्स में? रेड बोन मैरो। क्या भरा है? रेड बोन मैरो। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, रेड बोन मैरो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से पूरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लंबा वाला पार्ट डायफेसिस, लंबे वाले पार्ट से और ये जो राउंड वाला पार्ट, इसके बीच का पार्ट कहलाएगा मेटाफेसिस। इसके बाद जो ये राउंड वाला पार्ट है कहलाएगा एपिफेसिस। डायफेसिस के अंदर जो खोखला पार्ट है उसके अंदर कैविटी, उसे कहते हैं मेडुलरी कैविटी, और उसके अंदर है येलो बोन मैरो, ठीक है। इसके बाद जो आपका एपिफेसिस है इसमें पोर्स हैं, है ना, छोटे छोटे छेद हैं, और उन छेदों में भरा हुआ है रेड बोन मैरो। अब आप सोच रहे होंगे येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो में क्या डिफरेंस है? बोन मैरो होता क्या है? ये फैटी एसिड होता है जो हमारे बोन्स हैं, खोखली बोन्स होती हैं, उनके बीच में इकट्ठा हो जाता है। और ये करता क्या है? तो बोन मैरो हमारे बॉडी में ब्लड बनाने का काम करता है। बोन मैरो क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड बनाने का काम करता है। अब कौन सा बोन मैरो हमारी बॉडी ब्लड बनाता है? येलो की रेड। तो हमारे बॉडी में ब्लड बनाता है रेड बोन मैरो, जो एपिफेसिस में जो खोखले पार्ट हैं, पोर्स हैं, उनमें होता है, ये रेड बोन मैरो बनाता है। देखिए यहाँ पे भी है, ये दोनों तरफ पाए जाते हैं। अब आप पूछोगे जब रेड बोन मैरो ब्लड बना रहा है तो येलो बोन मैरो का क्या काम है? अब आप पूछोगे कि जब रेड बोन मैरो ब्लड बना रहा है तो येलो बोन मैरो का क्या काम है? तो देखिए दोस्तों, रेड बोन मैरो, जैसे हमारे घर पे लाइट है, इन्वर्टर है, तो लाइट क्या करता है? कंटिन्यू वर्क करता है। लेकिन जब लाइट चली जाती है, लाइट क्या जाती चली जाती है, तब काम कौन करता है? इन्वर्टर करता है। लाइक दिस, रेड बोन मैरो तो ब्लड बना रहा है, लेकिन कभी इमरजेंसी केस में, किसमें? इमरजेंसी केस में, जैसे एक्सीडेंट हो गया या हम गिर गए, लग गया, तब हमारी जो ये येलो बोन मैरो हैं वो कन्वर्ट होने लगती हैं, किसमें? वो कन्वर्ट होने लगती हैं रेड बोन मैरो में, और ब्लड बनाने लगती हैं। मतलब ये क्या रिजर्व बोन मैरो है जो कि येलो कलर का है। और ये कब काम करती हैं? ये काम करती हैं कब? जब हम लोग होते हैं किसी प्रॉब्लम में, है ना, जिससे हमारे ब्लड ब्लडिंग ज़्यादा होने लगती है, तब ये कन्वर्ट होने लगती हैं रेड बोन मैरो में, और ये बहुत तेज़ी से बनाती हैं ब्लड, क्योंकि उस समय हमारी रेड बोन मैरो बहुत तेज़ी से ब्लड नहीं बना पाती। तो ये क्या है? ये फैटी है। ये क्या है? तो ये हैं आपके येलो बोन मैरो, जो एडिपोज टिश्यूज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एडिपोज टिश्यूज से बने होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको इतना बात बताई थी, बात समझ में आपके आ गई होगी कि रेड बोन मैरो का काम क्या है? ब्लड बनाना। लेकिन ये सिंपल टाइम में ब्लड बनाता है, और जो येलो बोन मैरो है वो इमरजेंसी केस में हमारे बॉडी में हेल्प करता है रेड बोन मैरो को ब्लड बनाने में। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, हाँ आगे क्या देखते हैं, आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपका बोन मैरो है ये एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आज हम केवल एक छोटा सा पार्ट आपको बना के दे रहे हैं बोन का। समझिए इसको, जानने की कोशिश करिए, और इसके बाद कल से हम लोग आगे और बहुत सारी बातें बोन के बारे में पढ़ेंगे। बोन के हमारे कम से 10 से 12 वीडियो बनेंगे। आप देखते रहिए, समझते रहिए, और हमारा अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए। तो जय हिंद।